विजयपुर हो या रामगढ़ विधानसभा, नहरों की सफाई के नाम पर विभाग कर रहा खानापूर्ति। किसानों ने कहा कि विभाग नहरों में सफाई तो कराता है, मगर सही तरीके से सफाई भी नहीं करवा रहा विभाग। उन्होंने कहा बैसाखी से पहले विभाग को नहरों में पानी छोड़ना होता है, मगर अभी तक विभाग द्वारा नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया है। देखिए, मैं मोहन सिंह भट्टी, प्रधान बॉर्डर किसान यूनियन की तरफ से, हम पहले भी अपने जो एरिया की बॉर्डर की प्रॉब्लम है, किसानों की प्रॉब्लम है, वो उभारते रहते हैं, सरकार के कानों तक पहुंचाते हैं। आज मेरा यही दोबारा मकसद ये है कि ये जितनी हमारी नहरें हैं, जो जितनी नहरें हैं हमारी रामगढ़ एरिया को, एक साइड पे 90 है, जो रणबीर नहर है, जो नहर है 90 लगती है, उधर इधर ये लगती है रावी तवी, ये दोनों जो नहरें हैं, अभी ये देखो कि जितना भी पहले समय होते थे, ये बैसाखी से पहले पहले इनके इनमें पानी आ जाता था। सर्दियों में जूं ही जनवरी और फरवरी में इनमें इसकी डिसिल्टिंग हुआ करती थी, अब वो तो सिस्टम चले गए। लेकिन ये मैं कहता हूँ कि जितनी भी डिसिल्टिंग इन्होंने करवाई है, कहीं कहीं वो खस्ता हालत है, सिर्फ पैसे बटोरने का जो डिपार्टमेंट कर रही है, जो कंट्रैक्टर हैं, एक ही कंट्रैक्टर का आप रिकॉर्ड देखो, यदि मैं कंट्रैक्टर हूँ तो 10-15 साल से मैं ही ले रहा हूँ, एक ही कंट्रैक्टर ले रहा है, और उनकी सभी की मिलीभुगत है कंट्रैक्टरों की, सिर्फ पैसे की लूट है और कुछ नहीं। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटरी का देखो, जितनी भी इन नहरों की डिस्ट्रीब्यूटरी है, डिस्ट्रीब्यूटरी का भी वही हाल है जैसे दूसरी नहरों का, पूरे के पूरे ब्लॉक पड़ी हुई हैं, कहीं से भी डिस्टिलिंग जो पानी जो है, जब तक टेल एंड, हमारी प्रॉब्लम ये भी है कि बॉर्डर जो है ये टेल एंड पे, टेल एंड में पानी तब तक नहीं जाएगा जब तक इसकी बेस जो है, बेस एक बेस फिक्स बेस है इनके, एक पास रिकॉर्ड है पे ये नहर की कितनी गहराई पे इनका जो बेस है, तो बेस तक ये कभी भी नहीं गई, सिर्फ ऊपर से खानापूर्ति होती है 6-7 इंच जहाँ 1 फुट मुश्किल से डिसिल्टिंग करते हैं, तो बेस वो खानापूर्ति करते करते नहर बिल्कुल ऊपर चली गई है इसकी जो डिसिल्टिंग है। तो मैं सरकार को ये कहूँगा कि काइंडली ये कुछ ना कुछ ये जमींदारों पे तरस खाओ, ये जितनी हमारी बिजली की स्केयरसिटी होती है, खासकर ये अपने जल रुपाई होती है हमारी धान की, तो इसमें बिजली का बहुत सा हमारा जो पानी है बच सकता है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जितनी जो आपके जो है पानी का है ना, अपना लेवल, पानी का लेवल बहुत गहरा चला गया है और उसकी गहराई भी रोकी जा सकती है। वही टेंडर करते हैं, वही लेन देन करते हैं परसेंटेज, ये कहते हैं कि नई सरकार आई है, मोदी जी की सरकार आई है, करप्शन रहता है। मैं ये कहता हूँ ये जितने भी इंजीनियरिंग में जितनी परसेंटेज है उससे भी परसेंटेज बढ़ गई है, कहीं बताएं ना कहीं, ये अपने रिकॉर्ड में बताएं भी कब पानी, ये मई महीने से पहले कभी कब पानी आया, तो अभी बल्कि उस ओ, 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 किसानों ने कहा कि अगर विभाग ने पानी नहीं छोड़ा तो नहरों में सफाई के नाम पर क्यों विभाग को चूना लगाया जा रहा है, विभाग ऐसे कैसे किसानों को पानी मुहैया करवाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के वायदे और दावे खोखले साबित हो रहे हैं। उन्होंने मांग की कि रावी तवी और रणबीर नहरों के लिंक नहरों में पानी छोड़ा जाए। मेरा नाम सुरेश शर्मा है, मैं सांबा जिले की तहसील रामगढ़ के गांव पकड़ी का निवासी हूं और पेशे से किसान भी हूं। मैं आपको बताता हूं कि अगर देखा जाए तो वर्षों से नहरों की सफाई के नाम पर किसानों से धोखा होता आ रहा है। जब भी सरकार द्वारा नहरों की सफाई के बारे में घोषणा की जाती है तो सफाई के नाम पर एक खानापूर्ति जो है वो की जाती है। और मैं आपको बता दूं कि जो नेशनल हाईवे के साथ लगती जो रावी नहर है विजयपुर की, अगर उसकी हालत देखें तो हाईवे के दोनों तरफ नहर की सफाई की गई है, लेकिन अगर आप 500 मीटर आगे जाके देखेंगे उस नहर की हालत क्या है और किस तरीके से वो नहर जो गंदगी से भरी हुई है और नहर में मलबा भरा हुआ है, झाड़ियाँ हैं, लगता ही नहीं कहीं नहर है। नहर जो है वो जंगल का रूप धारण की है। और हैरानगी वाली बात यह है कि हर वर्ष जब नहरों की सफाई की घोषणा होती है तो उसी पोषण को जो सिंचाई विभाग है वो ठेकेदारों के साथ मिलकर उसी जगह की सफाई करवाता है, और आगे अगर नहरों की हालत देखें तो हालत जो है वो बहुत ख़राब है। मैं इसके साथ और भी बताता हूँ कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के, जो दो नहरें जाती हैं, D11 नंबर नहर
और डी 10 नंबर नहर, दोनों की हालत ख़राब है। हाँ, नहरों की सफाई हर वर्ष वहाँ पर होती है। होती कहाँ पर है? जो सड़क के साथ नहरें लगती हैं, सड़क के साथ लगती दोनों साइडों से नहरों की सफाई की जाती है और बाकी जो वो खाना पूर्ति होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से नहरों की सफाई होती है और ऐसे में नहरों के टेल एंड तक सिंचाई जल पहुंचाना वो जो है वो दूर की कौड़ी है। और अगर देखा जाए अगर तो जब भी किसानों को सिंचाई जल की ज़रूरत होती है तो नहरों में पानी नहीं आता। और जैसे बारिश होती है, बारिश के बाद नहरों में पानी आता है और वो पानी जो है ओवरफ्लो होता है क्योंकि नहरों की सफाई नहीं होती सही ढंग से। ओवरफ्लो होकर वो किसानों की फसलों को जो है वो बर्बाद करता है। हम तो सरकार से माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से यही मांग करते हैं कि कम से कम जब भी किसानों के हित की कोई बात हो, जिस तरीके से उपराज्यपाल साहब ने खुद पिछले महीने ये घोषणा की थी कि नहरों की सफाई कर नहरों में पानी छोड़ा जाए, लेकिन नहरों की सफाई के नाम पर जो है वो एक बार फिर खानापूर्ति हुई है। नहरों की सफाई जो है वो सही ढंग से नहीं। मैं अगर भी इसकी जाँच भी होनी चाहिए। विजयपुर से द अर्थ न्यूज़ के लिए गुरदास की रिपोर्ट।